हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ क्लास 12th एंड वी आर रीडिंग इंग्लिश टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो फॉर क्लास 12th। नाउ वी आर ऑन टू द थर्ड चैप्टर ऑफ आर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन हाउ द ऑथर वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर एंड हाउ ही वॉज थ्रोन अवे बाय अ बिग बॉय इन टू द वाटर एंड ही स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ दैट वाटर। अभी तक हमने देखा है, चैप्टर का नाम है डीप वाटर। इसमें ऑथर हमसे बताता है, हमसे कहता है अपने डर के बारे में, बताता है कि कैसे वो पानी से बहुत डरता था और किस प्रकार वह एक स्विमिंग पूल में एडमिशन लेता है तैरने के लिए और वहाँ पर एक दिन अकेले बैठा रहता है। तभी एक विशाल शरीर वाला, अच्छी फिजिक वाला आता है और इसे उठाकर नीचे पानी में फेंक देता है। और अब हम देख रहे हैं कि लेखक राइटर विलियम डगलस वो उस पानी से प्रयास कर रहे हैं बाहर आने का और उनके मन में एक प्लान बना है कि जैसे ही वो पानी के सतह के नीचे जहाँ पर फर्श है, टाइल्स तक जैसे ही उनके पैर पहुँचेंगे, वहाँ पर पहुँचने के बाद वो तेज छलांग लगाकर पानी से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग हैं पेज नंबर 26। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। मैं नीचे गया एंडलेसली, नहीं ख़त्म होने वाले। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आँखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ अ येल्लो ग्लो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पानी दिख रहा था और वो भी पीले चमक में। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और कौन सा पानी था वहाँ पर? डार्क वाटर, ऐसा डार्क वाटर था जिसके पार आप देख नहीं सकते हो, कैन नॉट सी थ्रू। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तभी शियर मतलब बहुत शार्प, स्टार्क मतलब चुभने वाला, टेरर मतलब दहशत, डर, भय। सीज्ड मी, मुझे बंद कर दिया, सीज मतलब स्टॉप, ठीक है। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, लेखक कहता है कि वो दहशत का ऐसा प्रकार था, वो ऐसा दहशत थी कि जिसे कोई समझ बूझ नहीं है, ठीक है, जिसे समझाया नहीं जा सकता है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा भय, ऐसा डर जिसको कंट्रोल नहीं पता है, नियंत्रण नहीं पता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा डर जो कोई समझ नहीं पाएगा। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और ये डर वही समझ पाएगा जिसने इसे अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, महसूस किया है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर तड़प रहा था और डूब रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, ऐसा लेखक को ज्ञान हो रहा था कि जैसे मानो उसके हाथ पैर चल ही नहीं रहे हों और उन्हें पैरालाइज कर दिया गया हो, इतने कड़क हो गए थे, स्टिफ, रिजिड, ठीक है, विथ फियर, कड़क हो गए थे, एकदम तने हुए हो गए थे उसके हाथ पैर, और किसके कारण? भय के कारण, फियर के कारण। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, वो कह रहा है कि मेरे गले के अंदर की जो आवाज़ थी, जो चिल्लाहट थी, जो मैं चिल्लाने का प्रयास कर रहा था, वो भी क्या हो गया था? फ्रोजन हो गया था, मतलब ठंड से आदमी कैसे बर्फ़ बन जाता है, वैसे ही वह एकदम शॉक में चले गया था। ओनली माई हार्ट, सिर्फ उसका, उनका हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और उनके दिमाग में, सर में जो पाउंडिंग हो रही थी, पाउंडिंग मतलब बीटिंग, ठीक है, जैसे हार्ट बीट हमारा करता है, हम हाथ रखते हैं तो हमें धक धक की आवाज़ आती है, वैसे ही दिमाग में उसके उस समय धक धक की पाउंडिंग, बीटिंग हो रही थी। सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, तो लेखक कहता है कि शरीर के अनुसार, शरीर को अगर देखकर बताया जाए तो मेरे हाथ पैर एकदम नम पड़ गए थे, ठंडे पड़ गए थे और एकदम कड़क हो गए थे, मानो ऐसे जैसे उसमें कोई जान ही नहीं है। और अगर जान की बात करें तो सिर्फ मेरा हृदय धड़क रहा था जो, और मेरे दिमाग में जो धक धक की आवाज़ आ रही थी, पाउंडिंग हो रही थी, कश्मोकश जो उसके दिमाग में थी, यही दो चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जीवित था,
बाकी जिंदा होने के कोई भी साइंस या सिम्टम्स उसके शरीर में नहीं थे इन दो सिम्टम्स के अलावा। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर, और तभी इस भय के बीच में ही केम अ टच ऑफ रीज़न, तभी इनको एक रीज़न, एक कारण दिमाग में याद आ जाता है। कारण क्या है? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे याद रखना है छलांग मारने के लिए, कूदने के लिए। When I hit the bottom, जैसे ही फर्श पर मेरे पैर पड़ेंगे मैं उस फर्श का सहारा लेकर अपने शरीर को ऊपर की तरफ उछालूंगा और ऐसा करके बाहर आ जाऊंगा, बच जाऊंगा। At last I felt the tiles under me, और आखिरकार मैंने फर्श को महसूस किया मेरे पैरों के नीचे। My toes reached out, मेरे पैर जैसे बाहर आ गए। As if to grab them, मानो वो उस फर्श को पकड़ना चाहते थे। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, लेखक कहता है विलियम ओ डगलस कहते हैं कि मैंने छलांग लगाई, जितना मेरे पास ताकत थी, जितनी ताकत थी उस पूरी ताकत से मैंने छलांग लगाई। बट द जम्प मेड नो डिफरेंस, लेकिन ये छलांग उनकी कोई खास परिवर्तन नहीं ला पाई। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी उनके आसपास भारी मात्रा में था। आई लुक्ड फॉर रोप्स लैडर्स वाटर विंग्स, वो देख रहे थे, रस्सी ढूंढ रहे थे कि कहीं रस्सी मिल जाए कुछ पकड़ने के लिए, जैसे जिसके सहारे बाहर आया जा सके, या लैडर मतलब सीढ़ी, कोई सीढ़ी ढूंढ रहे थे जिसके सहारे से वो पानी के बाहर आ जाएं। वाटर विंग्स मतलब, आपको याद है पार्ट शुरू होने के पहले ही बताया था, वाटर विंग्स मतलब वो ऐसे पंख नुमें कॉस्ट्यूम बना रहता है जिनके सहारे पानी में तैरा जाता है। नथिंग बट वाटर, और क्या था आसपास? ये रस्सी ढूंढ रहा था, सीढ़ी ढूंढ रहा था, वाटर रिंग ढूंढ रहा था, लेकिन ये तीनों में से कोई चीज़ उसे नहीं मिल रही थी। क्या मिल रहा था? सिर्फ और सिर्फ पानी। अ मास ऑफ येल्लो वाटर हेल्ड मी, वो कहता है कि भारी मात्रा में पीले रंग का पानी मुझे घेरे हुए था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, वो कहता है कि और दहशत भरे इस माहौल में और दहशत ने मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मानो वो भय वो डर ऐसे पकड़े हुए था जैसे कोई बिजली पकड़ लेती है किसी मनुष्य को। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, वो कहता है मैं कांप रहा था, हिल रहा था, किससे? डर के वजह से। माय आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ मेरे बाजू काम नहीं कर रहे थे। माय लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी हिलना डुलना बंद कर दिए गए थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए पुकारा भी। टू कॉल फॉर मदर, मैंने अपने माँ को भी पुकारा। नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ नहीं। एंड देन, और तभी, स्ट्रेंजली, ठीक है, स्ट्रेंजली मतलब होता है अनजाने तरीके से, देयर वॉज लाइट, ठीक है, वहाँ पर उसे प्रकाश दिखने लगा अचानक से। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येल्लो वाटर, ऑफुल मतलब बैड, डर्टी, बुरा। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येल्लो वाटर, मैं उस गंदे बुरे पीले रंग के पानी से बाहर निकल रहा था, आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आँखें तो पक्का है कि वो पानी के बाहर आ गई थी, इसी वजह से उसे लाइट दिख रही थी ना। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और धीरे धीरे उसकी नाक भी पानी के सतह के बाहर आ गई। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, अभी हमने पार्ट पढ़ते हुए देखा है कि पहले एक बार वो अंदर नीचे की तरफ जाता है, जब वो बड़ा शरीर वाला लड़का उसे पानी में फेंक देता है, तब वो पहली बार जा रहा था, फिर जैसे ही नीचे पहुँच रहा था तभी उसने दिमाग में बिठा लिया कि अब मैं जैसे ही फर्श पर नीचे पहुँचूँगा अपने आप को तेज़ी से ऊपर की तरफ उछालूँगा। जैसे ही वो उछालता है थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन फिर से वो नीचे जाता है दूसरी बार, तो अब उसी प्रकार ये तीसरी बार फिर से, अब वो फिर पानी के ऊपर आ गया है छलांग मारने के बाद, लेकिन अब फिर से वो डाउनवर्ड जर्नी की ओर शुरू हो जाता है। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, फिर मैं नीचे जाने लगा अब की तीसरी बार। आई सक्ड फॉर एयर, वो कहता है मैंने हवा को चूसा, क्योंकि उसके पास समय बहुत कम था, उसने मानो अब इतने देर से वो अंदर नीचे पानी में था तो जाहिर सी बात है वो
सांस नहीं ले पा रहा था, थोड़े से पल के लिए जो पानी के बाहर आया तो उस समय में जितना वो हवा ले सकता था बाहर से उतना हवा उसने खींच लिया, सांस खींच ली। एंड गॉट वाटर, अब जैसे ही वो कर रहा था तो उतने ही ये बताने में समय लग रहा है, पर उसका ऊपर आना और फिर से नीचे की तरफ जाना बहुत जल्दी हुआ था, साइमल्टेनियसली हो गया था। ठीक है, तो वो कहता है कि आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैं हवा खींचने का प्रयास कर रहा था लेकिन तब तक मैं नीचे आ गया पानी में, और सिर्फ नाक ही तो पानी के ऊपर थी तो नीचे आने में कितना समय लगेगा उसको, तो हवा ना पाकर वो पानी पी गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, जो पीले कलर का प्रकाश उसे दिख रहा था वो प्रकाश धीरे धीरे धुंधला हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, ठीक है, सीज्ड मतलब होता है स्टॉप्ड। एफर्ट मतलब प्रयास, ठीक है, वो कहता है मेरे सारे प्रयास अब बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड, वो कहता है मैं एकदम रिलैक्स करने लगा। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, वो कहता है मेरे पैर भी एकदम थके हुए थे और मोशनलेस हो गए थे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग में एकदम अंधेरा छा गया था। आई वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट फियर, और वो अंधेरा जो इनके दिमाग में छा गया था उस अंधेरे ने क्या किया, इनके डर को साफ कर दिया, पोंछ दिया, हटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, जो दहशत में वो थे उस समय परिस्थिति में वो दहशत उसने अंधकार ने हटा दिया। देर वॉज नो मोर पैनिक, लेखक कहता है कि अब और घबराहट मेरे अंदर नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, वो कहता है सब शांत था और शांति भरा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी भी चीज़ का उसे भय अब नहीं आ रहा था। दिस इज़ नाइस, ऐसा वो कहता है कि ये अच्छी बात है। टू बी ड्राउजी, टू बी ड्राउजी मतलब लेज़ी, नींद आने वाली परिस्थिति के, सो जाने के परिस्थिति के पहले नींद आने वाली परिस्थिति को ड्राउजी कहते हैं। आई एम फीलिंग ड्राउजी मतलब मुझे नींद आ रही है, तो कहता है टू बी ड्राउजी, नींद आने वाली जो फीलिंग है वो उसे अच्छी लग रही थी। टू गो टू स्लीप, अब सोने ही जाने वाला है वो, ऐसा उसे लग रहा था। नो नीड टू जंप, उसके मन में विचार आ रहे थे कि अब मुझे कूदने और छलांग लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, वो कहता है कि और ये भी हो सकता है कि मैं इतना थक गया था कि अब मैं जंप करना ही नहीं चाहता था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, वो कहता है अब धीरे धीरे जैसे वो पानी के अंदर जा रहा था तो कह रहा है मानो पानी उसे लेकर नीचे जा रहा है, तो पानी के साथ जाने में उसे अच्छा लगने लगा। टू फ्लोटिंग अलोंग इन स्पेस, वो कहता है पानी में ऐसा तैरना उसे अच्छा लग रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, वो कहता है मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, लग रहा था कि मानो एकदम डेलिकेट, टेंडर मतलब डेलिकेट, नाजुक नाजुक हाथ मेरे आसपास आ गए हैं, और टेंडर आर्म्स, वो नाजुक हाथ किसके तरह थे, मेरे माँ के हाथों की तरह थे। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, लेखक कहता है अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, वो कहता है कि जो ऑब्वियस चीज़ होने वाली थी कि अब ये तो जाहिर सी बात है, तो जो जाहिर सी बात थी वही हुई, और उसके जीवन का जो पर्दा था, कर्टेन ऑफ लाइफ, कर्टेन मतलब पर्दा, लाइफ जीवन, फेल वह गिर गया। द नेक्स्ट, और अगला, आई रिमेम्बर, जो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, मैं अपने पेट के बल नीचे लेटा हुआ था, बिसाइड द पूल, पूल के किनारे, वॉमिटिंग, उल्टियाँ करते हुए। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, वह लड़का, चैप मतलब बॉय, वह लड़का जिसने मुझे फेंका था कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा द किड नियरली डाइड, किसी ने कहा कि ये बच्चा एकदम मर ही गया था मानो। बी ऑल राइट नाउ, अभी ठीक रहो, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो हम इसे लॉकर रूम में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉक होम, मैं घर पे पैदल गया।
आई वॉज वीक, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था. एंड ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब शेकिंग, हिल रहा था. आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माय बेड, वो कहता है मैं बहुत हिल रहा था और रो रहा था जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था. आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात भोजन भी नहीं कर पाया, खाना नहीं खा पाया. फॉर डेज, कई दिनों तक. ए हॉन्टिंग फियर, हॉन्टिंग मतलब पीछा करने वाला, डरावना, ठीक है, भूतिया. वो कह रहा है कई दिनों तक यही भूतिया डर मेरे हृदय में बस गया था, वॉज इन माई हार्ट. द स्लाइटेस्ट एग्जर्शन अपसेट मी, वो कहता है कुछ भी चीज़ मेरे से ज़्यादा फोर्सफुली कोई लेता है या मुझे कुछ कहता है या मुझे कुछ करने के लिए ऑर्डर भी दे रहा है तो मुझे चिढ़ आ रही है, मुझे मैं अपसेट हो जा रहा हूँ, मैं सैड हो जा रहा हूँ, दुखी हो जा रहा हूँ. मेकिंग मी वॉबली इन द नीज़ एंड सिक टू माई स्टमक, वो कहता है घुटनों में मैं एकदम लचीला हो गया हूँ और घुटने ऐसे हो गए हैं मानो कि कहीं पे भी मोड़ो मुड़ जाएंगे, और वॉबली हो गए मतलब शेकी, हिलने डुलने वाले हो गए. मैं यहाँ पैर रख रहा हूँ तो कहीं और पैर जा रहा है. एंड सिक टू माई स्टमक, वो कहता है पेट मेरा ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पेट के अंदर बुखार है. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, वो कहता है कि मैं फिर से दोबारा पूल पे कभी नहीं गया. आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से बहुत भयभीत होने लगा. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और वह पानी से दूरी बनाने लगा, जितना पॉसिबल हो उतना वो पानी से दूर ही रहता था. अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद. वेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, जब मुझे पता चल गया वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कैस्केड एक जगह का नाम है, वहाँ के पानी के बारे में लेखक को पता चला. आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, अब वो लेखक उस कैस्केड के पानी में जाना चाहता था. एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी वो जाता था, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, वो कहता है मैं टाइटन या फिर बम्पिंग रिवर में तैरता था, ठीक है, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, या फिर मैं अगर नहाने गया हूँ उस गर्म लेक में जो लोकेटेड है कहाँ, गोट रॉक्स में. द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वो कहता है जो दहशत, जो डर मुझे बंद कर दिया था, मुझे रोक लिया था पानी के अंदर, वो बार बार उसके मन में वापस आ जाता था. इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, वो कहता है और वह डर मेरे ऊपर पूरा प्रभावित हो जाता था, मेरे ऊपर पूरा असर अपना फैला देता था. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, सबसे पहला उसके पैर, उसको ऐसा लगते थे जैसे उसमें मानो जान नहीं है, वो अपने इच्छा अनुसार अपने पैरों को मूव नहीं कर पाता था जब जब ये भय उसके मन में आ जाता था. आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, बोलता है एकदम ठंडा डर वुड ग्रैब माई हार्ट, मेरे हृदय को पकड़ लेता था, जकड़ लेता था. दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, अभी लेखक कहना चाहता है कि ये एक किसी अपंगता के जैसा नहीं, जैसा ही है, उससे कोई कम नहीं है. क्या, क्यों अपंग कह रहा है लेखक, क्योंकि वो अपनी दशा समझा रहा है, वो कह रहा है कि ये कोई एक हैंडीकैप होने से कम नहीं है. क्या, भय वाला माहौल, ठीक है, जो उसके मन में जो डर बस गया है, जो बार बार रिपीट होता है, उसके मन को सताता है, तो वो अपने आप को मानो एक अपंग व्यक्ति के तरह समझ रहा है. दिस हैंडीकैप, और ये अपंगता स्टेड विथ मी, उसके पास थी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, कई सालों तक थी और धीरे धीरे एक दो साल जा रहे थे, बीत रहे थे, लेकिन वो अभी भी वही भाव को जिंदा रखे हुए अपने दिमाग में जी रहा था. इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, कैनोज, कैनोज मतलब होता है सिंगल बोट, छोटी सी नाव, CANOE, स्मॉल बोट, ठीक है, एक सिंगल बोट जो केले का छिलका देखे हो उस छिलके के जैसी रहती है, छोटी सी रहती है, ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते उस पर, और एक चप्पू रहता है, उस चप्पू से नाव के आजू बाजू आप पैडल करके पानी में आगे जा सकते हो, ठीक है.
तो कहता है इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सालमन। अभी हमने पहले भी देखा था लैंडलॉक सालमन मतलब एक मछली की प्रजाति है, प्रकार है, वैरायटी ऑफ फिश। वही फिश को फिशिंग करने के लिए लेखक गया था मेन लेक्स पर। मेन एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक लेक था और कैनोज वही एक बोट में, ऐसे एक बोट होती है सिंगल जिसमें बैठकर वो फिशिंग करने जाता था। तो ऐसे ही इस कैनोज में जब वो एक बार बैठा था, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्टूसेट्स एंड मेटोलियस इन ओरिगन। तो उसने, लेखक ने नाम बताया है कि कहाँ कहाँ वो फिशिंग के लिए जाया करता था। पहला वो गया मेन लेक्स में लैंडलॉक सालमन फिश करने के लिए, फिर वो गया बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर अगेन इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, वहाँ पर भी वो बास फिशिंग करने गया। ट्राउट फिशिंग करने के लिए वो डेस्टूट्स एंड मेटोलियस इन ओरिगन में गया। फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया में भी सालमन के लिए वो सालमन मच्छी पकड़ने के लिए गया। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स वेर एवर आई वेंट, और ये जहाँ जहाँ ये गया फिशिंग करने के लिए, वहाँ वहाँ पर द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, उसे वह डर, वह डरावना सपना पीछा कर रहा था पानी का, पानी का जो भय था उसके मन से नहीं जा रहा था। इट रुइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, वो कहता है जो भी मेरे फिशिंग वाले ट्रिप्स होते थे उसको ये ख़राब कर देता था ये भय। बट डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और वो मुझे दूर कर रहा था। डिप्राइव मतलब किसी चीज़ से दूर करना, अभाव पैदा करना, तो अभाव पैदा कर रहा था जॉय का, ठीक है। जो खुशी थी मिलती थी उसे कैनोइंग करने में, यही बोट, ये जो कैनो है इसको चलाना मतलब कैनोइंग। तो कहता है कैनोइंग करने में जो मुझे मज़ा आता था, आनंद आता था, उस मज़े से मुझे इस भय ने दूर कर दिया है। बोटिंग, बोटिंग करने में, नाव में बैठकर घूमने में जो मज़ा आता था वो मज़ा भी इसका ख़राब हो गया है। एंड स्विमिंग, और तैरने का जो मज़ा मिलता था इसको, वो तैरने वाला मज़ा भी उस भय ने इसको दूर कर दिया है उस मज़े से। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, वो कहता है मैंने इस्तेमाल किया, हर वो रास्ता अपनाया जो मुझे पता था डर से उबरने वाला, डर को ख़त्म करने वाला। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन ये भय ने मुझे एकदम से पूरी तरह से जकड़ के रख लिया था, ऐसा जकड़ा था कि मैं उससे बाहर आ ही नहीं पा रहा था। फाइनली 1 अक्टूबर, आखिरकार 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, वो कहता है मैंने निर्णय लिया एक इंस्ट्रक्टर की, एक टीचर की, क्या करने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week एन आवर ईच डे, वो कहता है मैं पूल में गया और प्रैक्टिस किया 5 दिन, एक हफ्ते में 5 दिन और 1 घंटा हर दिन। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, वो कहता है जो मेरा ट्रेनर था वह मेरे आसपास एक बेल्ट बांध देता था। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और उस बेल्ट से जुड़ी एक रस्सी बंधी हुई थी, ठीक है, और वो रस्सी एक पुली के पास, पुली के ऊपर से गुजर रही थी। पुली मतलब होता है वो छोटा सा व्हील, जैसे हमने देखा होगा हमारे यहाँ वेल है, कुआं है, कुआं में देखो वो जो गड़ारी बनी रहती है जिसके ऊपर रस्सी से हम खींचते हैं, उसी को मान लो पुली है, मतलब वो गोल गोल घूमकर आपका एफर्ट कम कर देती है, ठीक है। तो ये पुली बनी थी, इसके ऊपर से वो रस्सी गई थी, तो जब वो नीचे गिर जाता था तो ये पुली के द्वारा रस्सी से उसे बाहर निकाला जा सकता था, ठीक है। थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, एक केबल से वो पुली अटैच थी, और जैसे ही ये मान लो अगर डूब रहा है या अंदर गहराई में चले गया है तो पुली और केबल की मदद से उसे ऊपर खींचा जा सकता है। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वेंट एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे। वो कहता है कि मेरा जो इंस्ट्रक्टर था वो ये केबल पकड़े हुए रखता था, ठीक है, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और मैं आगे पीछे पूल में तैरने के लिए प्रयास करता था।
बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल आवर आफ्टर आवर, हर घंटे मैं यही करता था, डे आफ्टर डे हर दिन मैं यही करता था, वीक आफ्टर वीक, और यही घंटे से बाद में वीक हुआ, वीक से फिर मंथ हो गया। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और हर ट्रिप, हर जितनी बार भी वो पूल के पास जाता था उतनी बार वही घबराहट और वही डर उसके मन में ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज। वो कहता है हर समय जब इंस्ट्रक्टर ट्रेनर रस्सी को थोड़ा ढीली करता था और ऐसा करने पर जब लेखक पानी में थोड़ा नीचे जाने लगता था, उस समय कुछ पुरानी यादें जो उसके डर वाली हैं, दहशत की यादें, वो रिटर्न हो जाती थी, वापस आ जाती थी, और उसके पैर क्या होते थे, फिर से सिकुड़ जाते थे और मानो ठंड के मारे वो ठिठुरने लगे हैं, कांपने लगे हैं, पर वो ठंड के मारे नहीं है, वो डर के मारे हैं। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक, स्लैक बोले तो धीरे धीरे कम होना, ठीक है, स्लैक मतलब धीरे धीरे कम होना, टू बिकम लेस, रिड्यूस, बिकम लेस। ठीक है, वो कहता है कि 3 महीने पहले तक टेंशन जो था वो बार बार आ जाता था और धीरे धीरे वो 3 महीने लगे उसको, उस तनाव को कम होने में। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, ठीक है, इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक, देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, तब मेरे ट्रेनर ने मुझे सिखाया अपना चेहरा पानी के नीचे डालकर हवा बाहर छोड़ने के लिए। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, अपनी नाक पानी से बाहर निकाल कर सांस लेना और पानी के अंदर जाकर सांस को छोड़ना, ये उसके ट्रेनर ने सिखाया। आई रिपीटेड दी एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, वो कहता है यही एक्सरसाइज मैंने दोहराया करीब 100 बार। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। वो कहता है थोड़ा थोड़ा करके मैं धीरे धीरे वह हिस्सा छोड़ रहा था जिस हिस्से में मुझे बंद रखा था, जकड़ लिया था, जो डर का मैं सामना नहीं करना चाहता था, उस डर को मैं धीरे धीरे छोड़ने लगा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। अब बाद में ट्रेनर ने उसे पूल के एक तरफ पकड़ कर रखा था और वहाँ पर पकड़ के रखने के बाद वह उससे उसके पैरों का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और पैरों से पानी में मारने के लिए कहता है, किक करने के लिए। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, वो कहता है कई हफ्तों तक मैं सिर्फ पानी में किक मार रहा था। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरुआती दौर में उसके पैर किक नहीं मारना चाहते थे या उसके पैरों को किक मारना पसंद नहीं आ रहा था, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे जैसे आदत होने लगी उसके पैरों को अच्छा लगने लगा। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और आखिरकार मैं अपने पैरों को जिस तरह किक करना चाहता था उस तरह अपने इच्छा अनुसार मैं उनका प्रयोग करने लगा। ठीक है, दस पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर, इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके उसने मेरे अंदर एक स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो लेखक कहता है जैसे जैसे वो हर एक चीज़ धीरे धीरे जोड़ने लगा ट्रेनर, वैसे ही मैं परफेक्ट होने लगा। कौन सी चीज़ जोड़ रहा है ट्रेनर, एक ये जो एक्सरसाइज, ठीक है, सब पार्ट पार्ट में उसे स्विमिंग सिखाया ट्रेनर ने। पहले था एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज थी, नाक ऊपर पानी के बाहर निकाल कर नाक ऊपर करके सांस लेना और पानी के अंदर जाकर एक्सहेल करना, सांस छोड़ना, बाहर फेंकना। दूसरा था साइड ऑफ द पूल में ट्रेनर उसको पकड़ के रखता था और उसे अपने पैरों से पानी में किक मारना रहता था। तो यही सारी चीज़ें एक साथ करके उसने इसको स्विमर बना दिया। इन अप्रैल ही सेड, अभी अप्रैल में वो कहता है, अक्टूबर से लोग शुरू कर दिए थे स्विमिंग करना, 1 अक्टूबर, ठीक है,
अब अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मतलब ऑन द सेवेंथ मंथ, इन द सेवेंथ मंथ अप्रैल में उन्होंने कहा नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो. डाइव ऑफ एम एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल, स्ट्रोक. वो कहता है कि डाइव करो, अभी पूल के अंदर कूद जाओ. एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पूल की जितनी लंबाई है उस पूरी लंबाई को आप तैर कर पूरा करो. क्रॉल, स्ट्रोक. वो कहता है ज़रूरत पड़ने पर आप नीचे फर्श पर चलो भी पानी के अंदर, ठीक है. आई डिड, मैंने कर दिखाया. द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर जो है उसका काम हो गया था पूरा. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन लेखक कहता है कि लेखक का काम पूरा नहीं हुआ था. आई स्टिल वंडर्ड, वह अभी भी आश्चर्य करता था. इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन वेन आई वॉज अलोन इन द पूल, वो कहता है क्या ऐसा मुमकिन है कि फिर से मुझे वो भय सताने लगे, और वो भी तब वो भय आ जाए, डर आ जाए जब मैं पूल में अकेला हूँ. आई ट्राइड इट, मैंने ये भी ट्राई किया. आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, उसने तैर कर आगे पीछे पूरी लंबाई नाप ली. टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़ा थोड़ा कुछ अंश पुराने भय का, डर का आने लगा, उसे सताने लगा. बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं गुस्सा दिखाकर नाक टेढ़ी करके उससे कह सकता हूँ, किससे, उस भय से, उस डर से जब वो आएगा. ट्राइंग टू स्केयर मी, हाँ मुझे डराने के लिए आए हो, वेल हियर्स टू यू, ठीक है अपना तुम कर लो. लुक एंड ऑफ आईड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, वो बोलता है कि जो आपको करना है आप करो, अपने भय को कहता है, काल्पनिक भय को, लेकिन मुझे जो करना है वो मुझे अब आता है और मैं वही करूँगा. और ऐसा कह के वो फिर से स्विम करना शुरू कर देता है. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने कह दिया था कि तुम अभी स्विम कर सकते हो. अप्रैल, मई और जून और जुलाई तक इसने प्रैक्टिस किया. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, वो कहता है इतना तैरने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं था. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, वो कहता है मैं श्योर नहीं था कि मेरा पूरा भय चले गया है कि अभी भी कुछ भय बाकी है. सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, इस वजह से वो कहाँ जाते हैं, लेक वेंटवर्थ में, इन न्यू हैम्पशायर, ठीक है. आज तक के लिए बच्चों इतना ही, थोड़ा सा ही पैराग्राफ बचा है, हम आगे के एक छोटे से वीडियो में इसे कवर कर लेंगे. अभी तक जो भी बताया गया है आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है. कहीं ना कहीं हमारे बचपन में या जवानी में हमें भी कोई ना कोई भय सताता रहा होगा, तो इस भय के बारे में अगर नहीं सताता रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सताता रहा होगा तो आप इस भय के बारे में सोचो और अपनी स्टोरी को लेखक की स्टोरी से मिलाने का प्रयास करो, कि लेखक ने जिस तरह बताया है कि उस भय वाली परिस्थिति में क्या किया उसने, उसके मन की दशा क्या थी, तो क्या वैसी ही दशा आपकी थी, ये आप ज़रा सोच विचार कीजिए, ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड.